मुजफ्फरनगर क्रांति सेना का जिला स्तरीय कार्यकर्ता महासम्मेलन में विराट त्रिशूल मार्च आने वाली 1 जून को आयोजित किया जाएगा। प्रकाश मार्केट स्थित कार्यालय पर क्रांति सेना अध्यक्ष ललित मोहन शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में फैसला लिया गया। पदाधिकारियों की बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा पर विचार विमर्श भी किया गया। इस अवसर पर क्रांति सेना अध्यक्ष ललित मोहन शर्मा ने कहा कि आज भी हिंदुओं की धार्मिक यात्राओं पर हमले हैं, कहीं हनुमान चालीसा का पाठ करने पर प्रतिबंध है तो कहीं हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाई जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुओं की घटती आबादी और मुसलमानों की विस्फोटक रूप से बढ़ रही आबादी इसका मुख्य कारण है, क्योंकि लगभग सभी राजनीतिक दल मुस्लिम के वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनकी परिक्रमा कर रहे हैं। साथ ही हिंदुओं पर होने वाले हमलों को भी अनदेखा किया जा रहा है और यदि ऐसे लोगों को नहीं रोका गया तो वो दिन दूर नहीं जब हमें कश्मीर की तरह अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ेगा। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून का बनना बहुत जरूरी है। कार्यक्रम जो हॉल में होना है सनातन धर्म में, वो तो होना ही है, वहाँ तो कोई रुकावट नहीं आएगी, परंतु हम चाहते हैं जब भीड़ इकट्ठी हो तो सड़कों पर निकलनी चाहिए, मतलब सड़कों पर निकलेगी जब हमारी ताकत का एहसास शासन प्रशासन को होगा, जब हमारे नगर में भी इस बात का पता लगेगा, तो उसमें कहीं ना कहीं तो इस विषय में विचार होने हैं। एक महीने अभी विचार रखा है माननीय दर्शी के सामने, इस पर भी सब लोग थोड़ा विचार रखना कि जैसे से अभी इसमें परशुराम जी की जयंती हुई वहाँ पुलिस ने फरसे छीन लिए, महाराणा प्रताप जी की जयंती हुई वहाँ भी जो है प्रशासन ने रोक लगा दी, और जो आज तक हम लोगों ने जो धार्मिक चिन्ह है त्रिशूल मार्च है तलवार खूब चले हम तो आज तक कार्यक्रम होंगे, तो सरकार ने खुला मतलब प्रतिबंध लगाया जा रहा है।